अब नहीं होगा सोलन में मेयर का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पलटा दांव। पार्षदों को वोट दिखाने का फैसला नहीं करेगा असर। कांग्रेस की बागी उषा शर्मा बनी रहेंगी मेयर। क्या कांग्रेस के हाथ से निकल गई सोलन नगर निगम की सत्ता? क्या कांग्रेस की बागी मेयर की अब कांग्रेस में हो जाएगी वापसी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या बने सियासी हालात? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। सोलन नगर निगम चुनाव में मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस की सुक्खू सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। अब 22 अगस्त को होने वाला मेयर का चुनाव नहीं होगा और नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा ही बनी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की पार्षद की सदस्यता को रद्द किया गया था। सरकार ने दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए 10 जून को ये आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सरकार और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सोलन नगर निगम में 22 अगस्त को मेयर का चुनाव होना था, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर मेयर चुनाव पर विराम लगा दिया है। अभी तक कांग्रेस में मेयर को लेकर सहमति नहीं बन रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों MC एक्ट चुनाव के नियम में संशोधन किया था। इस एक्ट के मुताबिक राज्यसभा की तरह पार्षदों को भी अपना वोट दिखाना होगा और वोट दिखाकर वोट डालना होगा। लेकिन जब अब मेयर का चुनाव होगा ही नहीं तो वोट दिखाना क्या? आपको बता दें कि 7 दिसंबर 2023 को नगर निगम सोलन के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस से बगावत कर उषा शर्मा मेयर और भाजपा की मीरा आनंद डिप्टी मेयर बनी थी। चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने दलबदल कानून के तहत मेयर उषा शर्मा, पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर, पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा और पार्षद अभि शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। सरकार ने इस शिकायत के आधार पर मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की पार्षद की सदस्यता को रद्द कर दिया था, जबकि राजीव कौड़ा और अभय शर्मा कार्रवाई से बच गए थे। 10 जून को सरकार ने उनकी सदस्यता को समाप्त करने के आदेश दिए थे। इसके बाद से सोलन में मेयर का पद खाली चल रहा था। कांग्रेस का आरोप था कि चुनाव के लिए इन चार पार्षदों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, जिससे पार्टी चुनाव हार गई। सरकार के अयोग्य करार देने वाले आदेश को मेयर और डिप्टी मेयर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहां से राहत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उषा शर्मा और पूनम ग्रोवर को राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है और अब 22 अगस्त को होने वाले चुनाव पर भी रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बताया जा रहा है कि मेयर उषा शर्मा को कांग्रेस पार्टी दोबारा अपना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेयर उषा शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सच्चाई की जीत तो बताया ही है, साथ ही खुद को कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही भी बताया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस आलाकमान क्या मेयर उषा शर्मा को अपनाएगी? क्या बागी बगावत वाली सारी सियासत अब कांग्रेस भूल जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।